सर ये कितने तक की गाड़ी होगी आपकी? ये यार ये है कोई 10-11 लाख की। कितने सीसी की होती है गाड़ी? ये 900 सीसी। 900 सीसी का हार्ले डेविडसन देख रहे हैं। एक थ्रॉटल देना, एक थ्रॉटल। ओ गजब भाई, वाह यार। तो आज का दिन बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ बाइकर्स की दुनिया, राइडर्स की दुनिया, पंचगांव प्राउडली देसी रेस्टोरेंट। तो क्या बात है, मैं जाने वाला हूँ वहाँ भी बहुत ही अच्छी अच्छी बाइक्स देखने। मुझे बाइक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर आप भी अगर बाइक लवर्स हो तो यहाँ पे आप ज़रूर आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। तो चलो आज बाइक लवर्स की दुनिया में चलते हैं, लेट्स गो। पंचगांव मेरे घर से 25 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर में चल के आ चुका हूँ यहाँ से, अभी 23 किलोमीटर और दिखा रहा है। आज काफी लोग यहाँ से राइडिंग के लिए निकल रहे हैं, आपको रास्ते में ना बाइकें दिख जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी बाइक दिख जाएंगी। मैंने अपनी साइकिल फ्लाईओवर पर ऊपर चढ़ा दी, क्योंकि नीचे ना काफी ट्रैफिक था, इसलिए मैंने ऊपर चढ़ा दी है साइकिल। जल्दी निकलता तो थोड़ा ज्यादा मजा आता, क्योंकि ना काफी सारे बाइकर्स ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं, तो मैं भी उन्हीं देखने जा रहा हूँ कि कितने लोग आ रहे हैं। तो फाइनली अभी हम लोग टोल प्लाजा पे आ चुके हैं, इस हाईवे मेन हाईवे पे टोल प्लाजा है। तो ये अपनी थार पे हमने फास्ट टैग लगवाया हुआ है, तो टोल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना टोल के ही काम चल जाएगा। सारे बाइक वाले लेफ्ट साइड से निकलते हैं, कारें उधर से निकल रही हैं, और अपनी थार भी इधर से ही निकाल देते हैं, क्योंकि फास्ट टैग लगा हुआ है तो टोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देख रहे हैं दूर आपको फ्लोरियल टावर दिख जाएगा, उसके बगल में ही है हयात होटल, 7-स्टार हयात होटल, समझ रहे हो? वाह, ऐसा लग रहा है इतनी बड़ी डिस्प्ले लगा के रखी हुई है इस पे, कितना मस्त करके बनाया हुआ है। तो ऑलरेडी मैं काफी दूर आ चुका हूँ, ऑलमोस्ट 20-21 किलोमीटर क्रॉस कर दिया होगा मैंने, अभी 5 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो और बस चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं पंचगांव का फेमस कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट बोल लो, वहाँ का सबसे ज्यादा फेमस है 22 इंच का पराठा, समझ लो 22 इंच का पराठा भाई, बहुत फेमस है। ये कोई एडवेंचर स्पॉट है, बट यार यहाँ पे भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, देख रहे हो काफी सारी चीजें लगी हैं, झूलने वाली, खेलने वाली, कई सारे गेम्स लगे हुए हैं, बट शायद चालू नहीं है, इसीलिए कोई आया नहीं है, इसमें पूरा बंद पड़ा हुआ है। बहुत सारे पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, दूर तक आप देख पाएंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। जब मैं यहाँ पे जॉब करता था तो हम घूमने जाते थे पहाड़ों के ऊपर, बहुत अच्छा लगता था। यही है वो जगह, यही है वो बस जहाँ से पहली बार उतरा था, अपने घर से बहुत दूर आया था जॉब करने के लिए, ये है वो रास्ता जहाँ मानेसर अंदर जाने के लिए। तो वहाँ पे फैक्ट्री में काम करता था सबसे पहले मैं, बहुत ही पुरानी यादें हैं, आई थिंक 4-5 साल तो हो गए होंगे मेरे को। तो यही है वो पहली जगह जहाँ पे मैंने पहली बार कदम रखा था घर से बाहर आके जॉब करने के लिए। देखो व्यू देख रहे हो यहाँ से, कितना प्यारा व्यू आ रहा है, हाईवे यहाँ से कर्व ले रहा है, वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं, और दोनों साइड पे पहाड़ बने हुए हैं, भाई कितना खूबसूरत माहौल है, देख रहे हो। जंगलों में कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, सामने दूर पहाड़ भी है, पहाड़ के ऊपर देख रहे हो
टावर भी लगाया हुआ है इंटरनेट के लिए। वाह यार देख रहे हो, लोकेशन ऐसे बोलते हैं, देख रहे हो कितना खूबसूरत जगह है। अपनी डेस्टिनेशन भी 4.6 किलोमीटर और रह गई है और यहाँ मैं थोड़ा रास्ते में रुका हुआ हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए। काफ़ी दूर से चलता आ रहा हूँ, पूरा 20-22 किलोमीटर में चल गया। अब थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं। यहाँ से अपनी राइड 4 किलोमीटर और रह गई है, 4 किलोमीटर और चलने के बाद हमें मिल जाएगा हमारा रेस्टोरेंट। और बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है क्योंकि वहाँ का पराठा बहुत फेमस है। और इस टर्न पे देख रहे हो कितना खूबसूरत टेम्पल बना हुआ है इस चौराहे पे। यहाँ पे काफी सारे कैफे हैं, ये हो गया शिव शक्ति ढाबा और ये देखो कितना प्यारा टेम्पल है भाई, कितना मस्त है। ऊपर जाने का प्रयास करूंगा वापस लौटते टाइम, शायद अगर जा सका तो। देख रहे हो KFC कहाँ लगाया हुआ है इन्होंने, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ आती है, बहुत ज्यादा लोग आते हैं राइडिंग करते हुए आते हैं दिल्ली से और यहीं पे आते हैं, खाते हैं पीते हैं फिर वापस चले जाते हैं। एंड फाइनली वी हैव अराइव्ड एट पंचगांव। देख रहे हो कितना खूबसूरत जगह है, ये है पंचगांव रेस्टोरेंट, प्राउडली देसी, समझ रहे हो प्राउडली देसी। वाह बहुत ही खूबसूरत जगह है, देख रहे हो। तो फाइनली ये है पंचगांव प्राउडली देसी रेस्टोरेंट, बहुत ही ज्यादा फेमस है, मतलब बाइकर्स ने बहुत ज्यादा फेमस कर रखा है इसको। देखते हैं इसकी फेमस होने का कारण, ये कितना क्या खूबसूरत है या नहीं है। देख रहे हो कितनी खूबसूरत फुलवारी लगी हुई है, वाह। और यहाँ पे आपको स्टारबक्स कॉफी भी मिल जाएगी, देख रहे हो कितना लग्जरी बनाया हुआ है इन्होंने स्टारबक्स का कॉफी। वाह ये देख रहे हो बाइक हार्ले डेविडसन, वाई 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 कितनी खूबसूरत गाड़ी है। अरे कितने तक की गाड़ी होगी आपकी ये गाड़ी है, कोई 10-1 लाख की। ओह कितने सीसी की होती है गाड़ी, 900 सीसी का हार्ले डेविडसन, देख रहे हो भाई बवाल चीज है कितना खूबसूरत गाड़ी है। तो ये बेल्ट से चलती है ना, नॉर्मल गाड़ियों में जैसे चैन होती है बट इसमें बेल्ट होती है, राइट। हाँ देख रहे हो कितनी खूबसूरत गाड़ी है भाई, 10-11 लाख की गाड़ी है, मजे का डबल साइलेंसर। एक थ्रॉटल देना, एक थ्रॉटल, ओ भाई गजब भाई, वाह यार वाह, साहब देख रहे हैं बवाल चीज है, कितनी खतरनाक गाड़ी है। मैंने बोला ना भाई यहाँ गाड़ियाँ बहुत भयंकर आती हैं, एक से खतरनाक गाड़ी आती है। और ये है अंदर कैफेटेरिया पंचगांव का रेस्टोरेंट, काफ़ी लोग यहाँ फोटोज भी खिंचा रहे हैं तो हम भी एक दो फोटो खिंचा लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छी जगह है यार। तो यहाँ पे देख रहे हो बाइक रजिस्ट्रेशन के भी स्टोर बने हुए, यानी कि गाड़ी में कोई दिक्कत हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अपनी बाइक यहाँ सही करा सकते हो। तो ये पंचगांव प्राउडली देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग फोटोज खिंचाते हैं आके, बहुत अच्छा भी लगता है यार, लोकेशन बहुत अच्छा खूबसूरत है। देख रहे हो काफ़ी लोग अंदर जा रहे हैं, बहुत ही मतलब अच्छी जगह है अंदर, बट अपने बजट का नहीं है तो यार जाना ही बेकार है, इससे अच्छा है कि अपने पास घूम लो और चलते हैं। और भी आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं अगर कोई गाड़ी आई हो यहाँ पे अच्छी। तो यहाँ पे देख रहे हो वॉल्वो खड़ी हुई है, कितनी खतरनाक, सबसे महंगी वॉल्वो, कितनी महंगी गाड़ी होती है। यहाँ पे एक थार खड़ी हुई है, थार वर्सेज अपनी थार और ये आ गया फॉर्च्यूनर द घोड़ा, कितना खतरनाक है। पंचगांव प्राउडली देसी, वाह कितना खूबसूरत जगह है यार। अगर आप बाइक राइडिंग पसंद करते हैं या फिर बाहर कहीं घूमना पसंद करते हैं तो ये पंचगांव प्राउडली देसी रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छी जगह है आपके लिए, यहाँ पे आ सकते हैं। पार्किंग बहुत ज़्यादा जगह है, पार्किंग भी कम नहीं है, गाड़ियाँ काफ़ी सारी पार्क हो जाती हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर बाइकर्स आते हैं। तो बाइकर्स अभी मेरे को इतना ज़्यादा नहीं देखे, एक ही मिला तो उसकी अपने गाड़ी देखी कितनी खतरनाक है भाई, 10-11 लाख की गाड़ी थी और बहुत ही अमेजिंग साउंड था उसका, देख रहे कितना खतरनाक थ्रॉटल मारा था उसने। आप लोग यहाँ पे आना चाहते हो तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी जगह है, शांत माहौल है चारों तरफ,
ना ज़्यादा शोर शराबा है, खाने पीने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बाइक राइडिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि दिल्ली से यहाँ तक का काफ़ी लंबा सफ़र है, 27 किलोमीटर ऑलमोस्ट, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 27 किलोमीटर है, तो दिल्ली से ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर बन जाता है, तो लोगों को मज़ा भी आ जाता है इतनी लंबी राइड में। बाकी अब हम राइड करते हैं सीधे बैक अपने घर के लिए, और आपको दिखाते हैं कुछ अगर अच्छे मूवमेंट होंगे तो आपको दिखा दूंगा, और बहुत ही प्यारा मूवमेंट आएगा मे बी। और बाकी तो नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही आने वाला है, तब तक के लिए आप बने रहिए वीडियोस को, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने अभी आपको यहाँ पे कलेक्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पे अपनी पहले खड़ी हुई है अपनी थार, फिर खड़ी है रॉयल इनफील्ड, फिर खड़ी है रॉयल इनफील्ड, फिर खड़ी है इनफील्ड, फिर इनफील्ड, और शायद उसके बाद भी कई सारी गाड़ियां इनफील्ड ही खड़ी हैं उस तरफ। ये देख रहे हैं, बिग बॉय टॉयस, बड़े लड़कों का खिलौना। वाकई यार इसमें लैम्बोर्गिनी, फरारी, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, लग्जरी गाड़ियां रखी होती हैं। अगर आपको कभी खरीदना हो, अगर आपकी औकात हो जाए इतनी खरीदने की, तो आप यहाँ आ सकते हो।